राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भलाड़ में शुक्रवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करने के उपरांत हुई। उसके उपरांत बच्चों ने माँ सरस्वती की वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के मेधावी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई उच्च योग्यता प्राप्त स्टाफ व आलीशान भवन सरकारी स्कूलों में ही होता है। अपनी सनातन प्रवृत्ति की तरफ आए, ये प्रदूषण खत्म हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी दिल्ली की सरकार को 5 साल होने को पूरे हो रहे हैं, 5 साल, और मैं कह सकता हूँ आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार जिस पर कोई 5 वर्ष में 5 पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा सका। पहली हमारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला किया है कि भारत में कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होकर बिना इलाज के पूरा नहीं हो जाना चाहिए, अपने घर में नहीं रहना चाहिए। तो मेरा उन्होंने एक स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत इसका नाम है। आपके यहाँ इस स्कीम के तहत पूरे भारत में 50 करोड़ लोगों का बीमा 31 मार्च से पहले। प्रधानमंत्री जी का एक और फैसला, भारत में कोई व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये चुनाव आया लोकसभा का तब कह रहे ड्रामा बीजेपी का। भाई सुनिए मेरी बात, हम सच बोलने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सच बोलने वाले व्यक्ति और गरीब परिवार के लोग हैं ये सारे। एन स्टार न्यूज के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।